So today we are going to start a solution of mCadding of chapter number 2, speed and velocity. So this basically you can find it on chapter number 2. So this is complete solution of the mCadding. So let's start with the question number 1. Question number 1 hai, what is the ratio of velocity and speed? Ab isme hame batana hai ki speed velocity aur speed ka ratio kya hoga. तो देखिए अब आंसर तो दिया है नेवर मोर देन वन. तो अब इसमें हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना, डिस्प्लेसमेंट पे. और स्पीड आपका हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. और एक कॉन्सेप्ट अगर आपको आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट या तो लेस देन डिस्टेंस होगा या इक्वल टू होगा. ओके तो डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा. तो अब मैथमेटिकली अगर आप देखो तो वेलोसिटी अपॉन स्पीड अगर हमने चेक करना हो, है ना, वेलोसिटी अपॉन स्पीड अगर देखना हो, तो अब हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना. तो ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा या तो कम होगा डिस्टेंस से या इक्वल होगा. तो जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा तो रेशियो आपका वन होगा. बाकी सारे ही केसेज में डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा. तो ऑब्वियसली बात है न्यूमरेटर अगर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है तो रेशियो हमेशा वन से छोटा होगा. तो इसलिए आंसर है आपका नेवर मोर देन वन. तो ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर वन का. क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर टू हमारा है, हाँ क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए सेम अभी अभी जैसा हमने करा है पिछला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसको डिस्कस करा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या डिस्टेंस से कम होगा. थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा होगा, है ना. तो इस केस यहां भी वही आंसर होगा, सेम आंसर, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों ही केस में आपका आंसर सेम हो जाएगा. तो ऑलरेडी इसमें भी हमने सेम एज वन, है ना, इसमें भी हमारा वही हो जाएगा, है ना, जैसा पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है. तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर. तो क्वेश्चन नंबर थ्री को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है, अ मैन ट्रेवल हाफ लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड ही ट्रेवल सेकेंड हाफ विथ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड. यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एल, लेट से कि अगर एल लेंथ का कोई रोड है तो उसका एल बाई टू डिस्टेंस जो है एक पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है, है ना, और अनदर एल बाई टू डिस्टेंस जो है ये पर्सन 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है. तो इसने पूछा है एवरेज स्पीड. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, है ना, टोटल टाइम. अब हमने क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही है एल, हमें अगर किसी तरह टोटल टाइम पता चल जाए, टोटल टाइम मतलब लेट से कि इस दौरान इसका टाइम टी वन लगा फर्स्ट हाफ जर्नी में, सेकेंड हाफ जर्नी में टाइम टी टू लगा. तो T1 अगर निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला अगर देखो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर आप करोगे तो पहले हाफ में डिस्टेंस कितना है L बाई टू, स्पीड कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा L बाई 40. इसी तरह अगर आप T2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास L बाई टू, सेकेंड केस में भी डिस्टेंस L बाई टू चला लेकिन स्पीड कितना था 60, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास L बाई 120. तो अब अपने को T1 T2 पता है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, है ना. तो एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, L ऑलरेडी हमने निकाला है, टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2, इट मीन्स वॉट L बाई 40 प्लस L बाई 120. अब यहाँ पे ऊपर L रहने देते हैं, नीचे अगर LCM ले लें तो ये हो जाएगा 120, ये 3L, है ना, 3L प्लस L, तो L इंटू 120. अब इसको कैलकुलेट करोगे तो नीचे कितना हो गया 4L, L से L कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी योर आंसर. अब देखो यही आंसर है 30 मीटर पर सेकेंड. तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है.
तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, अ मैन ट्रेवल 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रोड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, ओके, देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो इसमें भी लिख लेते हैं हम लोग, सेम सिमिलर है पिछले वाले की तरह, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही है ना। तो यहाँ पे अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द लेंथ, लेट्स से कि टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है, तो इस टोटल डिस्टेंस का 1/3 यानी L/3 डिस्टेंस वो कितने स्पीड से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से, यही गिवन डाटा है। उसके बाद कह रहा है रिमेनिंग पोर्शन, है ना, रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आपका कितने से चल रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड से, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा, L-L/3 अगर आप कर लोगे तो ये हो जाएगा 3L-L/3, इट मीन्स 2L/3, है ना। रिमेनिंग पोर्शन ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एल डिस्टेंस L/3 चल चुका, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L-L/3, तो ये 2L/3 डिस्टेंस जो है ये कितने से चल रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड से। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ पे T1, मतलब पहले केस में लेट से कि इसने T1 टाइम लगा ट्रेवल करने में, सेकेंड केस में T2 टाइम लगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 अगर निकालना हो तो डिस्टेंस कितना है, 40, है ना, सॉरी डिस्टेंस है L/3, है ना, तो डिस्टेंस L/3 और स्पीड 40 है, तो L/3 अपॉन 40 करें तो ये कितना हो जाएगा, L/120। उसी तरह T2 की बात करें तो T2 हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, T2 निकालेंगे, हमारे पास डिस्टेंस कितना है, सेकेंड केस में इसने 2L/3 पार्ट डिस्टेंस चला है, कितने स्पीड से चला है, 60 से, तो 2L/180, या फर्दर इसे आप थोड़ा सा कट करोगे मैथमेटिकली तो ये आ जाएगा L/90, है ना, 2 से 180 90 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये आ गया T1 T2। तो अब जरा देखते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी हमने एल माना है, टोटल टाइम की जगह क्या हो जाएगा, T1 + T2, है ना, तो एल और T1 + T2 को अगर हमने ऐड करा तो कितना आ जाएगा, L/120 प्लस अपने पास आ जाएगा इक्वल टू प्लस L/90, तो आई थिंक इसका एलसीएम 360 हो जाएगा। तो एल अपॉन एलसीएम, अगर थोड़ा कैलकुलेट, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप भी कर सकते, 360 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3L + 4L, तो आपके पास आ जाएगा L/7L और 360 ऊपर चला जाएगा, तो एल से एल कट जाएगा, ये आपके पास 360 डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने इसको डिवाइड करें 360 से, तो देखिए कितना आ जाएगा, 5, 7 से 35 टाइम में, उसके बाद 1 बचेगा, 51.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कोई भी डाउट आए क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सॉल्यूशन समझने में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन के साथ साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे आपके चैप्टर्स के थ्योरी वीडियोज भी अवेलेबल है, कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप वहां से भी जाके लेक्चर्स देख सकते हैं सारे टॉपिक का। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा जूम आउट कर लूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए कार मूव्स इन अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट हाफ टाइम विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी सॉल्व कराया है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कार मूव्स स्ट्रेट रोड फर्स्ट हाफ टाइम, अच्छा इसमें देखिए लेट से कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा वही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ टोटल डिस्टेंस में देखे टोटल टाइम क्या है, मतलब लेट से कि एक पर्सन को टोटल जर्नी का टाइम टी है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट हाफ विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट हाफ का मतलब T/2, है ना, T/2 टाइम तक वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और नेक्स्ट T/2 टाइम तक वो कितने से चल रहा था, 60 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था। तो अब हमने निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो अगेन एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब की बात टोटल टाइम के साथ तो कोई इशू नहीं है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में टी दे रखा है, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेट से कि पहले वाले में डिस्टेंस चला कुछ डी वन, सेकेंड केस में इसने डिस्टेंस चला डी टू। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले केस का स्पीड क्या है 20, टाइम क्या है टी बाई टू, 20 टी बाई टू। सेकेंड केस में डिस्टेंस डी टू क्या है 60 टी बाई टू। तो डी वन डी टू करते हैं, है ना, एवरेज स्पीड निकालना है हमने। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी वन प्लस डी टू। तो डी वन प्लस डी टू की वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, यहीं पे मैं साइड में कैलकुलेट कर लूं, डी वन प्लस डी टू की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा 20 t 22 8, यहां देखो सीधा सा कैलकुलेशन है 80 t बाई टू, है ना। तो 80 t बाई टू हमारे पास, 80 t बाई टू, ओके। तो एवरेज स्पीड हो गया, तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 t बाई टू अपॉन टोटल टाइम t है। इसको थोड़ा फर्दर और कैलकुलेट कर लेते हैं, 80 t बाई टू टी, टी से टी कट जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो 40 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगले क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट 6 और 7 क्वेश्चन का सेट, मतलब अगले वीडियो में मैं इसके आगे का सॉल्यूशन दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना, नीचे प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा जिसमें आने वाले टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसमें मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।